दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हमारा जो डीडी फ्रीडिस का सेटअप बॉक्स होता है उसके अंदर हम केबीएस वर्ल्ड जो चैनल होता है उसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल और सही जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे दोस्तों ये चैनल आपके सेटअप बॉक्स में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये चैनल को ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ सेटअप बॉक्स के अंदर सेटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे रिमोट का मेन्यू बटन हम प्रेस करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले एंटीना सेटिंग करनी होगी, उसके बाद में टीपी लिस्ट के अंदर जाना होगा, एक टीपी ऐड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले एंटीना सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो एंटीना सेटिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले सैटेलाइट आपको डीडी फ्रीडिस का सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने ऐड कर रखा होगा। उसके बाद में एलएम पावर को ऑन कर लेना है। एलएम फ्रीक्वेंसी में दोस्तों यहाँ पे 9750 से 10600 वाले जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है। डीसी क्यूसी को ऑफ कर लेना है। टीपी के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है और स्टार सर्च के अंदर सैटेलाइट या फिर ब्लाइंड स्कैन या फिर सुपर ब्लाइंड स्कैन या फिर ऑटो स्कैन में से आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली मेन्यू बटन दबा करके बैक हो लेते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पे टीपी लिस्ट में चलते हैं और एक टीपी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11630 वर्टिकल 30000 एक टीपी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। यही टीपी आपको ऐड करना है अपने सेटअप बॉक्स के अंदर। और यहाँ पर मेरे सेटअप बॉक्स के अंदर टीपी ऐड करने के लिए ग्रीन कलर का बटन दिया गया है। तो सिंपली यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर का बटन दबाते हैं ये सेटअप खुलता है। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर यहाँ पे 11630 डालना है, पॉलिटी में वी करना है एच की जगह, और सिंबल रेट में 30000 यहाँ पे करना है। और सिंपली प्रेस ओके पे आना है, रिमोट का ओके बटन दबाना है, तो ये फ्रीक्वेंसी अपने सेटअप बॉक्स के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। चलिए हम बैक चलते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर रखा है। अब दोस्तों इस फ्रीक्वेंसी पे चैनल को स्कैन करना है। चैनल स्कैन करने के लिए मेरे रिमोट के अंदर यहाँ ब्लू कलर का बटन दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे ब्लू कलर का बटन दबाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेटअप खुलता है। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग हम कर लेते हैं। एफटी ओनली के अंदर दोस्तों यहाँ पे यस करना है, टीवी रेडियो में टीवी करना है और सर्च पे आना है रिमोट का और सिंपली ओके बटन दबा देना है। जैसे हम यहाँ पे रिमोट का ओके बटन दबाते हैं इस फ्रीक्वेंसी पे स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती है। और देख सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी पे चैनल स्कैन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। और केबीएस वर्ल्ड के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी चैनल हमारे सेटअप बॉक्स में यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ से बैक चलते हैं और आपको बताते हैं कि चैनल हमारा कहाँ पर ऐड हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चैनल है हमारा 18 नंबर पर ऐड हो चुका है केबीएस वर्ल्ड के नाम से। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस हमारे आपको मिलते रहें।